ब्रह्माणी माता के मंदिर में हम पहुंच गए हैं। ऐसे आरती होता है, हवन कुंड है। वो ब्रह्माणी माता का प्राचीन मंदिर था और ये नया मंदिर है। मैं डॉक्टर संजय राजन सिंह ब्रह्माणी माता पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए पहाड़ियों के बीच में है। अब मैं वापस जा रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट पहाड़ों से ऐसे बर्फ़ का पानी आता है सीधा, आप बंद पी भी सकते हैं। ये यहाँ पे इस तरीके की नल की व्यवस्था होती है। ये यहाँ पे लोग कीर्तन कर रहे हैं, कुंड में स्नान करके अपने नानी की। मैं डॉक्टर संजय राज जी ब्रह्माणी माता टेम्पल में आपका स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे आने में तो बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद एकदम थकान मिट गई। बहुत चढ़ाई पर है। ब्रह्माणी माता को बरमोर का संरक्षक माता माना जाता है और ये जब आते हैं तो यहाँ पे आप स्नान करके अगर देवी के दर्शन करना चाहें माता जी के, तो यहाँ पे दोनों व्यवस्थाएं हैं। दो कुंड हैं, यहाँ पे बैठ के कीर्तन करने की व्यवस्था है। ये ऊपर रति के बीच में स्थित है। इसकी कहानी यह है कि नीचे बरमोर में 84 मंदिर है, तो जब शिव जी पहली बार बरमोर में प्रकट हुए थे तो ब्रह्माणी माता ने उनको इंसान स्थान देने के लिए अपना स्थान परिवर्तित कर लिया और वो बरमोर से लगभग 4 किलोमीटर ऊपर इन रति पहाड़ियों के बीच में ये सामने आकर दर्शन